नीम करौली वाले बाबा का नाम तो सभी लोग जानते हैं और सुना होगा। बहुत ही हमारे भारत देश के सिद्ध और प्रसिद्ध संत रहे हैं। इनके जीवन काल में इन्होंने ना तो कोई दिखावा किया, ना किसी से कोई वादा किया, लेकिन ये इनका आशीर्वाद भक्तों के ऊपर सदा बना रहता था। ऐसे ही एक भक्त की आपको हम बात बताते हैं। उस समय नंदा जी नाम के एक भक्त उनके रहे होंगे, जो कि वकालत का कोर्स कर रहे थे। उनका फाइनल पेपर था, उस दिन उनको बहुत घबराहट हो रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा विचार कर रहे थे। अचानक नीम करौली वाले बाबा उनके यहां पर पहुंच गए और उनसे बोले कि नंदा, तू क्यों उदास है, किस बात की चिंता है तुझको? बोले, बाबा जी कल मेरा पेपर है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा और मुझको पास होना बहुत जरूरी है, अब मैं क्या करूं? सरल हृदय बाबा जी बोले, किला तेरी पुस्तक कौन सी है जिसमें तेरे पेपर देना? वो बुक लाके दी अंग्रेजी की। अब बाबा जी क्या अंग्रेजी जाने, उनने पृष्ठ खोले, निशान लगाते गए और रख के उसके पास चले गए, बोले भी नहीं कुछ। जब नंदा जी ने देखा कहां कहां निशान लगे हैं, उनने रात भर वही प्रश्न वही पढ़ाई करी और पेपर देने चले गए। जब रिजल्ट आया तो पहले नंबर फर्स्ट डिवीजन वह पास हुए। ऐसे ही हमारे नीम करौली वाले बाबा की कृपा बनी रहती है और सब पर बनी रहे। जय गुरु महाराज।